बैतूल में रावण दहन को लेकर एक अजीबोगरीब परंपरा है। लोग रावण के दहन के बाद जली हुई लकड़ी अस्थियां मानकर उठाकर अपने घर ले जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं होती है। आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में पिछले 65 साल से रावण कुंभकर्ण के पुतलों का दहन श्री कृष्ण पंजाब सेवा समिति करती आ रही है। इस साल 55 फीट रावण 50 फीट का कुंभकर्ण का पुतला बनाया गया था। यहाँ रावण दहन कार्यक्रम देखने के लिए हजारों लोग पहुँचते हैं। कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो बस इस इंतजार में रहते हैं कि कब रावण का दहन हो। जैसे ही रावण दहन होता है, जल रही लकड़ियों को लोग जमीन पर रगड़ कर बुझाना शुरू कर देते हैं। इन लकड़ियों को ठंडा कर घर ले जाते हैं और पूजन कक्ष में रख देते हैं। स्टेडियम से लकड़ी लेकर जा रही आशा ने बताया कि उन्होंने बुजुर्गों से सुना है कि लकड़ी घर में रखने से सब कुछ अच्छा होता है। ऐसी मान्यता है कि लकड़ी रखने से धन की कमी नहीं होती है। वहीं सुभाष आहूजा का कहना है कि क्योंकि रावण भगवान राम के हाथों मारा गया था और बहुत ज्ञानी था, इसलिए लोग उसकी अस्थियां प्रतीक के रूप में ले जाते हैं। मान्यता है कि घर में उसकी बुराई ना आए, इसलिए भी जली हुई लकड़ियां घर ले जाई जाती हैं। कोई कीड़े वगैरह मतलब दीमक वगैरह नहीं लगते फर्नीचर वाले चीज, इसके वजह से उसको ले जाते हैं। ऐसे बहुत से पुराने लोगों ने बताया है, तो हमारे सास ससुर के मुंह से सुना है, उस वजह से हम अभी तक हमको पता है हम ले जा रहे हैं। हम ब्राह्मण को भोजन इसलिए कराते हैं ना कि हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले। हम उसी प्रकार जो व्यक्ति यहाँ से उनकी जली हुई लकड़ियाँ ले जाते हैं या अस्थि यहाँ के लोग, कुछ लोग नदी में प्रवाहित करते होंगे या कुछ लोग उसमें तांत्रिक पूजाएं करते होंगे। भस्म ले जाने वाले लोग उस भस्म की पूजा करते हैं।